अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं टेनिस के बारे में। सबसे पहला जो टेनिस है वो हमने डिस्कस किया है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेनिस। आज हमें दूसरा उठाना है, दैट्स कॉल्ड पास्ट टेनिस। पास्ट टेनिस किसको कहा जाता है? पास्ट टेनिस मीन्स द टाइम विच हैज़ गॉन, जो गया हुआ है, गुजरा हुआ ज़माना, जो हमसे रुखसत हुआ है, यानी जो हमने काम किया है, जो वक्त गया है, उसी को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट के चार फॉर्म्स हैं, इसी तरह पास्ट के भी चार फॉर्म्स हैं। इसका सबसे पहले दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल और पास्ट इनडेफिनिट टेंस। दूसरा है दैट्स कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसका जो पहला है दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल टेंस, इसी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट इनडेफिनिट टेंस। जैसा हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या देखा, वहां पे होता है वो काम जो हम लोग रेगुलरली हैबिचुअली करते हैं, रोजाना करते हैं हमारे वो काम। यहाँ पे भी वही है जो पास्ट में हम लोग रोजाना किया करते थे, जो काम हमें आते थे हम वही लिखते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वहां पे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में यूनिवर्सल ट्रूथ्स लिखते हैं, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आता है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है, वो पास्ट सिंपल में नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट वर्ब कौन सा वर्ब, पास्ट में, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जैसा हमने कहा था कि प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो प्रेजेंट नहीं जो पास्ट वाला होता है वही होता है यहां पे। देखिए इसमें असल में क्या होता है, देयर इज सब्जेक्ट प्लस यहां पे होता है असल में हेल्पिंग वर्ब एक, लेकिन हम लोग वो नहीं लिखते हैं, बट हमें वो जरूरत पड़ता है, हमें वो जरूरत उसकी आती है। कहां पे जरूरत आती है उसकी अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम वो लिखेंगे तो इसको पास्ट नहीं बनाना होता है, इसको प्रेजेंट में लिखना होता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा पहले आपको, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आई लिखा, आई, अब यहां पे वर्ब है, वर्ब फॉर एग्जाम्पल मैंने प्ले लिखा, आई प्ले, ये प्रेजेंट है। अब इस प्ले का पास्ट क्या है, आई प्लेड, आई प्लेड, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, फॉर एग्जांपल आई प्लेड क्रिकेट, यानी मैंने क्रिकेट खेली, मैंने खेली क्रिकेट, यानी मैं मांगो मैं गेंद क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। अब देखिए अभी मैं जो आपको बता रहा था, यहां पे क्या होता है, एक्चुअली एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो हम नहीं लिखते हैं, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो हम समझते हैं वहां यहां पे, क्यों मैंने बोला यहां पे होता है। देखिए अभी हमने यहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, यहां पे सीधे आई प्लेड क्रिकेट। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव बनता है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नॉट लगाने से। यहां पे हेल्पिंग वर्ब फिर कहां से आएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन का मतलब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले ही बताया यहां पे होता है, बट वी डोंट राइट दैट हियर। लेकिन नेगेटिव में हमें या इंटरोगेटिव में हमें उसको लिखना पड़ता है। जैसे मैं लिखूंगा आई, फिर यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, वहां प्रेजेंट पे आता था डू, यहां पे आएगा डिड, आई डिड। जब इसका पास्ट बना तो इसका पास्ट नहीं बनाना है, ये प्रेजेंट में आएगा, आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले, क्योंकि दो पास्ट पास्ट सिंपल में एक साथ नहीं आते हैं, दो पास्ट सिर्फ पास्ट परफेक्ट में आते हैं, वो हम आने वाले लेसन में देखेंगे। यहां पे क्या है, यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब का पास्ट बनाया तो जो मैन वर्ब है इसका पास्ट नहीं बनाना है, इसको प्रेजेंट में ही लिखना है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट,
ये पास्ट सिंपल है, इसका पास्ट सिंपल ही है नेगेटिव में, आई डिड नॉट प्ले। अगर यहां पे लिखेंगे आई डू नॉट फिर प्ले लिखना है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से ग्रामेटिकली ये वाला ठीक है, वो वाला ठीक नहीं है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब अगर इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया यहां पर होता है हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होता है, तो उसको बाहर निकालना है। डिड आई प्ले, प्लेड नहीं, डिड आई प्ले, क्योंकि यहां पर पास्ट आ गया, यहां पर पास्ट नहीं आएगा। डिड आई प्ले क्रिकेट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसको भी बना सकते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे डिड नॉट आई प्ले क्रिकेट, वो बात आपको समझ आई होगी। अब अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ही लिखूंगा, शी लिखूंगा, किसी का नाम लिखूंगा ही, फिर यहां पे लिखूंगा दूसरा फॉर्म लिखना है वर्ब का, फॉर एग्जाम्पल ईट एट, ईटन, ईटन तीसरी है, एट दूसरी है, ही एट फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया, ये कंप्लीट काम है, उसने खाना खाया है, ये कंप्लीट काम है, ही एट फूड। अब इसको आप नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट ईट, क्योंकि यहां पे आप पास्ट नहीं आएगा, यहां पे पास्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब पास्ट बन गया, तो इसको पास्ट नहीं बनाना है, ये याद रखना है, जहन में रखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होता है यहां पे, हम लोग नहीं लिखते, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है, मैंने पहले बताया ये होता है, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसको आना जरूरी होता है, ये असल में होता है यहां पे, हम इसको समझते हैं, लिखते नहीं है। ही डिड नॉट ईट फूड, डिड नॉट, जब डिड आया तो यहां पे ईट आएगा, यहां पे एट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे एक पास्ट ऑलरेडी आया हुआ है। अब इसको क्वेश्चन बनाएंगे, डिड ही ईट, क्योंकि डिड आया फिर ईट आएगा, डिड ही ईट फूड, शाबाश। अब अगर कोई भी हम लोग यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, दे स्टूडेंट्स, बहुत से हैं, एक नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, द स्टूडेंट्स रोट, राइट, रोट यानी दूसरी फॉर्म, रोट दियर आंसर्स, रोट दियर आंसर, द स्टूडेंट्स रोट दियर आंसर्स, राइट, रोट, रिटन, सेकेंड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, द स्टूडेंट्स, The students did not write, क्योंकि did आया फिर wrote नहीं आएगा, did not write their answers। अब इसको question बनाएंगे, did the students write their answers। एक बात आपके जहन में आई होगी, यहाँ पे हर एक के साथ एक जैसा सुलूक है, यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ वर्ब सबके साथ एक जैसा है, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है वही प्लूरल के साथ भी लगता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है वही प्लूरल के साथ लगता है। जैसे हम लोग यू लिखेंगे, यू चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये दोनों हर जगह एक जैसा आएगा। यू वॉकड, यू वॉकड through the street, you walked through the street, you walked, walked, दूसरा form, you walked। अब इसको negative बनाएंगे, you did not walk through the street। अब इसका interrogative बनाएंगे, did you walk through the street। यानी यहां पे जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब है वो सबके साथ एक जैसा है, इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, सारा नेक्स्ट होगा।